मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भारत जोड़ो यात्रा को प्रवेश किए 9 दिन बीत चुके हैं और आज उज्जैन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। ऐसे में पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उज्जैन में है और अब यहाँ से धीरे धीरे कर आगर मालवा की तरफ बढ़ेगी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में सबसे पहले सेवा दल चलता है। सेवा दल की अपनी पहचान रही कांग्रेस में और जयराम रमेश साहब भी पूर्व कैबिनेट मंत्री है, लगातार यात्रा में चल रहे हैं। सर, आज छठवां दिन है, जिस उम्मीद, जिस आशा के साथ, जिस संकल्प के साथ निकले हैं, संकल्प से सिद्धि की तरफ जो यात्रा आपकी बढ़ रही, कितना सफल है? बहुत सफल हुआ है। हम लोग ये सातवां राज्य हैं और मध्य प्रदेश में भी जो उत्साह हमने देखा पहले दिन से, बुरहानपुर, खांडवा, खरगोन, विशेष उल्लेख मैं इंदौर का करना चाहता हूँ, और उज्जैन में जो पब्लिक रैली हुआ परसों दिन, मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र के बाद हम ये मानकर चल रहे थे महाराष्ट्र की तुलना हम किसी और राज्य से नहीं कर पाएंगे, पर मध्य प्रदेश ने हमें चौंका दिया। और इन जगहों में जैसे जो मैंने गिनाया है आपको, जिस उत्साह के साथ जनता आई, हमारे कार्यकर्ता तो आते ही हैं, वो वास्तविक है हमारे कार्यकर्ताओं का आना, पर आम जनता का आना सुबह सुबह, आज हम 6:45 बजे को हमारी यात्रा शुरू की है और सड़क पर आते हैं युवा, महिलाएं, किसान, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग आते हैं उत्साह से। 2018 में यहाँ आपकी सरकार बनी, फिर 2023 की तरफ है, तो क्या ये उसके लिए माने जनता का जो उत्साह? चुनाव के नजरिए से नहीं देखता हूँ, ये चुनाव यात्रा नहीं है, चुनाव जीतो यात्रा, जिताओ यात्रा नहीं है, और चुनाव के समय में एक अलग सी प्रक्रिया की जरूरत होती है, वहाँ इलेक्शन मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट। हमारे देश में चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जाते हैं, उपलब्धियों पर नहीं लड़े जाते हैं, और खास बड़े बड़े मुद्दे पर नहीं लड़े जाते, भावनाओं के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। तो 2023 के चुनाव में एक बात ज़रूर है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमारे संगठन में नई जान आई है, एकता, अनुशासन, एकजुटता, नई उमंग दिखाई दे रही है। ये 2023 के चुनाव और विधानसभा के और 2024 के चुनाव लोकसभा के, उसमें मैं समझता हूँ कि ज़रूर फायदेमंद होगा, लेकिन हम उस नज़रिए से यह यात्रा नहीं निकाले।